विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं में द्वितीय पाठ के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। अधोलिखितानां माने नीचे लिखे गए शब्दों का विलोम पदम, विलोम पद पाठात मानी पाठ से, चित्वा मानी चुनकर, लिखत मानी लिखो। ये सारे शब्द पाठ में आए हुए हैं, उनसे चुनकर आपको लिखना है। पहला पश्चात, पश्चात मानी बाद में, पूर्व मानी पहले, ये हो गया विलोम। हसितो मानी रोने के लिए, हसितो मानी हंसने के लिए, और रोदितो मानी रोने के लिए। हसितो मानी हंसने के लिए और रोदितो मानी रोने के लिए, तो हसितुम का विलोम हो गया रोदितो। तीसरा हो गया अधे मानी नीचे और ऊपरी मानी ऊपर, तो अधे का विलोम क्या हुआ ऊपरी। अगला है श्वेत मानी सफेद, कृष्ण मानी काला, तो श्वेत का विलोम हो गया कृष्ण। उससे अगला है सूर्यास्त, सूर्यास्त और सूर्यास्त का उल्टा हो गया, विलोम हो गया सूर्योदय, सूर्य का उदय, या सूर्य का अस्त होना हो या सूर्य का उदय। अगला है सुप्त, सुप्त मानी सोया हुआ, प्रबुद्ध मानी जागा हुआ, तो सुप्त का विलोम हो गया प्रबुद्ध। इसी प्रश्न का फिर भाग है जिसमें है संधि गुण, आपको संधि करनी है, आपको संधि विच्छेद हुआ हुआ मिलेगा और आपको संधि करनी है। इसलिए पहला इसमें है नी प्लस अवसत, नी अवसत का संधि होगा न्यवसत। अगला है सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य का प्लस उदय का संधि होगा सूर्योदय। अगला तीसरा है वृक्षस्य प्लस उपरी, तो इसकी संधि होगी वृक्षस्यो, वृक्षस्योपरी। चौथा है ही प्लस अकार्य, जिसकी संधि होगी हय कार्य। पांचवा है चय प्लस एकाकिनी, जिसकी संधि होगी चेकाकिनी, चय से मिलने से बन जाएगा चेकाकिनी। छठा है इति प्लस उक्त्वा, दोनों को मिला के क्या बनेगा इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा का मतलब होता है ऐसा कहकर। अगला है प्रति प्लस अवदत, जिसका संधि होगा प्रत्यवदत। उसके अगला है प्रय प्लस उक्तम, बराबर प्रोक्तम, का आदेश हो गया यहां पर। अगला है अत्र प्लस एव, बराबर अत्रे। उसके अगला है तत्र प्लस उपस्थिता, बराबर तत्रोपस्थिता। उसके अगला है यथा प्लस इच्छम, बराबर यथेच्छम। अब आपका तीसरा प्रश्न आता है स्थूल पदान्य अधिकृत्य, पदान्य अधिकृत्य प्रसन्न वाणी को, यानी स्थूल पद जो मोटे अक्षर होते हैं, तो बोर्ड में मैंने अंडरलाइन कर दिया मोटे अक्षर के स्थान पर, इसी को आप स्थूल समझिए। उनको आधार मान करके प्रश्न का निर्माण आपको करना है, आपको उत्तर दिया हुआ मिलेगा, अब उस उत्तर के हिसाब से आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो इसमें पहला है ग्रामे का, ग्रामे निर्धना स्त्री अवसर, गांव में निर्धन स्त्री रहती है, रहती थी। अब निर्धना स्त्री के स्थान पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है, तो यहां जाएगा ग्रामे का अवसत, यानी गांव में कौन रहती थी। अगला आपका है स्वर काकम निवारयन्ति बालिका प्राप्त, अब यह स्थूल पद है स्वर्ण काकम, आपको इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है, और इसका अर्थ है सोने के कोवे को रोकती हुई बालिका ने क्या बालिका ने प्रार्थना की, तो प्रश्न रहेगा कम निवारयन्ति बालिका प्राप्त, किसको रोकती हुई बालिका ने प्रार्थना की, क्योंकि हमें प्रश्न बनाने हैं। अगला है सूर्योदयात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, अब स्थूल पद है सूर्योदयात्, इसके स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है, इसका अर्थ रहेगा सूर्योदय से पहले ही बालिका वहां उपस्थित हो गई। अब सूर्योदयात् पंचमी है, तो प्रश्न निर्माण करते समय ध्यान रखे किन धातु को रूप में पंचमी का प्रयोग करना है, तो याद आएगा कस्मात, तो किससे
कस्मात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता, किससे पहले ही बालिका वहां उपस्थित हो गई, यानी सूर्योदय से पहले। अगला है बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत। अब यह निर्धन मातु सूर्योदय है, इसके साथ आपको प्रश्न निर्माण करना है, अर्थ रहेगा बालिका गरीब माता की बेटी थी। अब प्रश्न आना है बालिका कस्या दुहिता आसीत, बालिका किसकी बेटी थी, कस्या मानी किसकी, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, यानी लालची वृद्धा सोने के कोए को रहस्य को जान गई। अब यह स्वर्ण काकस्य शब्द है, वो स्थूल पद है, इसके साथ अगर आपको प्रश्न का निर्माण करना है तो लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लालची वृद्धा किसके रहस्य को जान गई। अब आपके आता है चौथा प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरु, प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति का मतलब होता है शब्द की मूल प्रकृति क्या है, और प्रत्यय उसमें कौन सा प्रत्यय मिलकर और उसका संयोग से कौन सा शब्द बनता है, वो अपने को बताना है। तो पहला है वी प्लस लोक प्लस लप्य। अब इसमें वी उपसर्ग है, लोक मूल शब्द है और उसके बाद लप्य प्रत्यय बना, तो इन तीनों को मिला के बना विलोक, यानी देखकर। अगला है नी प्लस छिप प्लस लप्य, नी उपसर्ग है, छिप धातु है और लप्य प्रत्यय है, इसमें तीनों को मिलाकर शब्द बनेगा, लप्य में चूंकि ये शेष रहता है तो निक्षिप में शब्द बन गया। अगला है गे आ प्लस गम प्लस लप्य, आ उपसर्ग है, गम धातु है, लप्य प्रत्यय है, तीनों को मिलाकर आगे में शब्द बनता है, आगे मैंने लिखा आप आगे भी लिखते हो तो भी शुद्ध माना जाएगा, दोनों मान्य है। उसके अगला है दृश्य प्लस कत्वा, दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय है, दोनों को मिलाकर बना दृश्यवा, जिसका मतलब होता है देखकर। अगला शब्द है सी प्लस कत्वा, तो सी प्लस कत्वा का क्या बना, सहित्वा, क्योंकि कत्वा में त्वा शेष रहता है, कह हो जाता है, तो इस प्रकार सहित्वा मानी शोकर। अगला है लघु प्लस तमक, लघु प्लस तमक को मिलाकर बना लघु तमक, तो लघु तमक का मतलब होता है, एक होता है छोटा, एक होता है सबसे छोटा, लघु तमक का मतलब होगा सबसे छोटा, तो इसका बन जाएगा लघु तमक और इसका अर्थ होगा सबसे छोटा। इसके आगे के प्रश्नों को जो बचे हैं वो आप अगले वीडियो में देख पाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।